स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने गैशियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन किया था जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और निकलने वाली एनर्जी को एटीपी में तब्दील कर दिया जाता है। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह से होती है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन और एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और खुराक की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, जबकि एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है और खुराक की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। इसके बाद बच्चों हमने गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन की थी कि गैशियस एक्सचेंज वो अमल है जिसके जरिए जानदार माहौल से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं। इसके बाद बच्चों हमने एक डेफिनेशन की थी ब्रीथिंग यानी कि अम्ल तनफ्फुस की। अम्ल तनफ्फुस बच्चों वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार हवा को अपने जिस्म में लेके जाते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन हासिल कर सकें और फिर हवा को बाहर निकाल देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। स्टूडेंट्स लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था अम्ल तनफ्फुस यानी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क। तो बच्चों रेस्पिरेशन में दो तरह के अमाज शामिल थे यानी कि मैकेनिकल अमाज जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है और बायोकेमिकल अमाज जिनके ज़रिए खुराक की ऑक्सीडेशन होती है। जबकि बच्चों ब्रीथिंग में सिर्फ मैकेनिकल अमाज शामिल हैं जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो बात करते हैं हम कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन आर सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। पौधों के पास माहौल से गैसों का तबादला करने के लिए कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। पौधे के जिस्म का हर सेल माहौल से गैसों का तबादला अपने तौर पर करता है खुद से। The leaves and young stems have stomata in their epidermis. पत्तों और छोटी उम्र के जो तने हैं उनकी एपिडर्मस में चंद मखसूस सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वो गैसों का तबादला स्टोमेटा के जरिए करते हैं। तो बस बच्चों हमने ये देखा है कि पौधों के पास गैसों के तबादले के लिए कोई मखसूस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जिस तरह के एनिमल्स में गैसों के तबादले के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, इस तरह प्लांट्स में कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। पौधे का हर सेल गैसों का तबादला माहौल से अपने तौर पर करता है, जैसे कि पत्ते और छोटी उम्र के जो तने हैं वो माहौल से गैसों का तबादला करते हैं स्टोमेटा के जरिए। इसी तरह गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा, गैसों का तबादला इन स्टोमेटा के जरिए होता है। द इनर सेल्स ऑफ लीव, पत्ते के जो अंदरूनी सेल्स हैं यानी कि मेसोफिल सेल्स एंड स्टेम और तने के जो अंदरूनी सेल्स हैं आल्सो हैव एयर स्पेसिस, इनमें खाली जगह होती हैं अमंग देम इनके दरमियान, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसों के तबादले में मदद देती हैं। वो कह रहा है बच्चों पत्ते के अंदरूनी सेल्स यानी कि मेसोफिल सेल्स और तने के जो सेल्स हैं इनमें खाली जगह होती हैं जिन्हें हम एयर स्पेसिस कहते हैं और ये एयर स्पेसिस गैसों के तबादले में मदद देती हैं। बच्चों मजीद वो कह रहा है इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स, जो छोटी उम्र के तने और पत्ते हैं, सम गैशियस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू द क्यूटिकल, कुछ गैसों का तबादला क्यूटिकल के जरिए भी होता है, विच इज प्रेजेंट ओवर देयर एपिडर्मस, जो उनके एपिडर्मस के ऊपर मौजूद होती है। जैसे बच्चों यहां पर मैं आपको एक डायाग्राम दिखा रहा हूं। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ऊपर बच्चों ये रेड निशान जो है प्लस का, ये वाली जो जगह है ये है क्यूटिकल। बच्चों पत्ते के ऊपर एक बारीक ऑयली तह होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। बच्चों सबसे ऊपर क्यूटिकल है, इसके नीचे एपिडर्मस है और एपिडर्मस से नीचे मेसोफिल सेल्स हैं। ये मेसोफिल सेल्स हैं बच्चों, इन मेसोफिल सेल्स के दरमियान ये खाली जगह हैं जहाँ पे ये प्लस का निशान है, ये खाली जगह हैं। तो बच्चों ये जो खाली जगह हैं इन्हें हम कहते हैं एयर स्पेसिस।
ये जो एयर स्पेसिस हैं ये गैसों के तबादले में मदद देती हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन स्टोमेटा, स्टोमेटा की तारीफ करें। तो बच्चों स्टोमेटा से मुराद पत्ते और छोटी उम्र के जो तने हैं उनकी एपिडर्मस में मखसूस सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। देयर आर स्मॉल पोर्स इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स कॉल्ड स्टोमेटा। पत्ते और छोटी उम्र के तनों में चंद मखसूस सुराख हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। बच्चों गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये हाफ टॉपिक हमारा हुआ है और हाफ टॉपिक रह गया है, इस हाफ टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। थैंक यू।